नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए आज हम बताते हैं कि इलाहाबाद स्टेट भर्ती अर्थात या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में एक न्यू अपडेट आया हुआ है जो 3 मार्च 2022 से परीक्षा निर्धारित की गई थी वह परीक्षा का अब 12 मार्च 2022 से संलग्न होगी। चलिए हम विश्वविद्यालय के पद संख्या से पढ़ते हैं। दिनांक 21 फरवरी 2022 के लिए देखिए न्यू अपडेट कार्यकलाप यहाँ पर आ गया है 23 फरवरी 2022 से। चलिए इसे पढ़ें। 21 फरवरी 2022 के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के अनुसार अनुमोदित विषम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की संशोधित परीक्षा समय सारिणी इस पत्र के संलग्न पर घोषित की जा रही है कि सभी संस्थागत या व्यक्तिगत या भूतपूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षाएं जो पूर्व में दिनांक 3 मार्च 2022 से निर्धारित की गई थी अब संशोधित तिथि दिनांक 12 मार्च 2022 से संलग्न परीक्षा समय सारिणी के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर के समस्त संकाय अध्यक्ष एवं समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुरोध है संलग्न संशोधित समय सारणी से अपने महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को सूचित कराने का कष्ट करें। ये देखिए यहाँ पर जो 3 मार्च 2022 को परीक्षा निर्धारित की गई थी वह 12 मार्च 2022 से परीक्षा होगी अर्थात टाइम टेबल हुआ चेंज हो गया है। चलिए अब दिखाते हैं टाइम टेबल यहाँ से ये देखिए यहाँ से BA LLB कोर्स जो होता है यहाँ से 12 मार्च 2022 से शुरू हो गई है जो 9:30 से लेकर 12:30 पर हो गई है यानी कि सभी समय सारणी यहाँ पर चेंज हो गई है। अगर आप इस समय सारणी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से भी डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप नए इस न्यू टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर अलजेब्रा 1 का था वह 13/3/2022 को हो गया है 9:30 AM से लेकर के 11:30 AM अर्थात 2 घंटे का पेपर हो गया है। अर्थात समय सारणी चेंज हो गई जो एनालिसिस में 3 को थी जो 4 को थी वह 13 को हो गई है और यहाँ से मैथमेटिक्स देखिए इस सेमेस्टर की यहाँ से 15 तारीख को हो गई है अर्थात इसमें से मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 अर्थात सब्जेक्ट तीसरा ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर था वह 21 तारीख से हो गया अर्थात समय सारणी चेंज हो गई है। यहाँ पर MSc फिजिक्स सेमेस्टर का भी देखिए 13 तारीख से हो गया है अर्थात सभी की समय सारणी चेंज हो गई है। आप वहाँ से जाकर समय सारणी को डाउनलोड करें। जैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट दे दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।